हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज बात करेंगे सैडल स्टे के बारे में। तो रिसेंटली हम लोग की एक राइड होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे एक फ्रेंड ने अपने पल्सर NS 200 में JB रेसिंग का सैडल स्टे और बैक कैरियर लगाने का फैसला लिया। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शेयर किया जाए। स्टेप्स बहुत ही ईजी है, आप एक बार देख के ही समझ जाओगे, और अगर आपके पास पूरा टूल्स है तो अपने घर पे भी ये आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग गए थे अपने नियर बाई गैराज में, उधर जाके हमने अपना सैडल स्टे फिट किया। तो चलिए आपसे मिलते हैं सीधा गैराज में। ये आप देख सकते हो इसका साइज बैक कैरियर का मेरे हाथ के मुकाबले, मेरा एक पूरा हाथ इधर फिट हो जा रहा है। और ये है कुछ नट्स एंड बोल्ट जो आपके JB रेसिंग के सैडल स्टे एंड बैक कैरियर के साथ ही आएगा, तो फिटिंग को लेके आपको कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम ठीक से हो जाएगा।
का सैडल स्टे और बैक रेस्ट फिट। अब आपके लगेज का टेंशन वो संभालेगा, आप अपना राइड एंजॉय कीजिए। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये सैडल स्टे और बैक रेस्ट को लेकर। इसका फिटिंग बहुत अच्छा है, पेंट पाउडर कोटेड है और यह हाथ में बहुत हैवी और स्टडी फील होता है। सो आप अनडाउटेडली इसे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो डाउनसाइड है जो मुझे लगा, एक तो पहला इसका एक स्क्रू का थ्रेड अच्छा नहीं था, जो हम लोगों को प्रॉब्लम आया फिट करने में, वो शायद आपको भी आ सकता है। दूसरा है इसके जो वेल्डिंग के मार्क्स है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब आपको दूर से दिखेगा। अगर इन दोनों चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो आप अनडाउटेडली ये ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत स्टडी भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अगर आप भी कोई सैडल स्टे यूज़ करते हो तो ये कौन से ब्रांड का है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और सैडल स्टे को फिट करने के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय।